नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तैफी में शरीयत तहफूर खत्मी, नबुवत पर एक दिवसीय शिविर। नवरात्र के अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा आदि का आयोजन। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। मैसूर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया। भाजपा के अच्छे दिन के दावों पर बड़ा सवाल, कुमारस्वामी ने किया। दुर्गा पंडाल मैसूर की जगह महात्मा गांधी को दिखाया, हिंदू महासभा के खिलाफ होगी कार्रवाई। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 3 नवम्बर को चुनाव और 6 को आएगा रिजल्ट। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर शहर की जामिया मस्जिद में तहफी में शरीयत तहफूर खत्मे नबुवत बीदर शाखा द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मौलानाओं ने बयान दिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बीदर के प्रसिद्ध व मारूफ मौलाना अब्दुल गनी खान साहब की खितर से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान, समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने भी भाग लेकर दीनी संदेश को समझा। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मदरसों के उलमा और विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके अलावा शहर के कई लोगों ने भाग लिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اهدنا الصراط المستقيم। नवरात्रि पर्व में माँ दुर्गा के 7वें सिद्ध स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज के दिन माता की पूजा करने से और मंत्रों का जाप करने से सभी प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। माता कालरात्रि को सभी सिद्धियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन तंत्र मंत्र से भी माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि माता कालरात्रि के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से भूत बाधाओं से मुक्ति मिलती है और घर से इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। इस त्योहार व नवरात्रि का कवरेज करने केपी न्यूज की टीम बीदर शहर में रहे विभिन्न मंदिरों का दौरा कर वहां चल रही विशेष पूजा आदि के बारे में जाना। टीम ने शहर के कुमारवाड़ा में कालिका मंदिर, मंगलपेट और ब्रह्मनवाड़ी में भवानी मंदिर को भेंट दी है। मंदिरों में भक्तों का ताना बाना लगा हुआ था और लोग अपनी आस्था अनुसार पूजा पाठ कर इन विशेष 9 दिनों को मनाने में लगे हैं। कई ग्राम से भी लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। संवाददाता अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। जैसे कि नवरात्रों में घट स्थापना की महत्वता होती है और इसमें अखंड दीप जलाने का भी बहुत महत्व होता है, तो हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अखंड ज्योत जलाया गया है और ये पूरे 10 दिन तक जलाया जाता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि मंदिर में माता की मूर्ति और यहाँ पे घट स्थापना भी की गई है। इस मंदिर से जुड़ी बहुत ही रोचक और अद्भुत बात हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर एक महिला है जो 43 साल से यहाँ पर 5 दिन निर्जल और निराहार यहाँ पर तपस्या में बैठी रहती है। आइए आपको उनके दर्शन कराते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये महिला बैठी हुई है और यहाँ पर ये 5 दिनों से बैठी हुई है और ये पूरे निर्जल और निराहार होकर यहाँ पर भक्ति भाव से ध्यान में लगी रहती हैं और भक्तों की यहाँ की देवी में बहुत ही ज्यादा आस्था है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इनके दर्शन करने कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आइए मिलते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से, जानते हैं और भी कुछ और भी बहुत जरूरी बातें। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम गुरुनाथ है। मेरा नाम गुरुनाथ है। आप यहाँ कब से आते हैं इस मंदिर? हम बचपन से हम लोकल यहीं से, कुमारवाड़ा हमारा गांव घर है, परिचय 44 से यहाँ माता जी को बिठाते हैं, 44 इयर्स हो गए। हाँ, सबसे पहले मैं बीदर जनता को दशहरे ईद का त्योहार का शुभकामना देता हूँ।
44 डेज हो गए, 5 डेज से हम माता जी बैठते हैं हमारे। 5 डेज होने के बाद यहाँ पे हम विजयदशमी के दिन जुलूस निकालते हैं यहाँ पे, यहाँ शारमंदर टेम्पल से लालवाड़ी से इधर हमारा घूमे फिरा के फिर सुबह आके यहाँ पे प्रति वर्ष त्योहार अच्छा होता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे नाग शेट्टी वड्डाड़े और प्रभु शेट्टी काउंसलर और विजय कुमार पाटिल सब मिलके यहाँ उनके नेतृत्व में हर प्रति साल ऐसे बनाते हैं ईद। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर ये हर साल होता है? हर साल 5 डेज चलता है यहाँ प्रसाद रोक। आज गुरुनाथ बंडे बोल के प्रसाद करा रहे हैं साई ग्रुप से, हर साल उन्हें करते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं उनके हमारे भवानी टेम्पल की तरफ से। हर तरफ हर साल ऐसे 5 डेज चलता जी प्रसाद। भक्त अपने भक्ति अनुसार यहाँ पर अन्नदान भी करते हैं, तो इसी के साथ सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज में संभाजी ब्रिगेड की कार्यकारिणी की बैठक, जिला अध्यक्ष सतीश वर्से और महाराष्ट्र के उमाकांत उपाध्याय सिद्धेश्वर लाड़गे सहित अन्य उपस्थित रहे। इसके अलावा औरा तालुका अध्यक्ष गोविंद पाटिल, कमालनगर तालुका अध्यक्ष विनोद शिंदे की नियुक्ति की गई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा आदि की गई। संवाददाता हिना शेख की रिपोर्ट। आणि त्यावेळेस मोठे मोठे मोर्चे सुद्धा आहोत, आमचा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला नाही म्हणून सतत मराठा समाजाने त्याचा पाठपुरावा केला। आणि काही काळामध्ये तत्कालीन जेव्हा भारतीय जनता पार्टीचं विरोधी पक्ष म्हणून विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टी होती, त्यावेळेस येडियुरप्पा साहेबांनी येऊन सांगितलं की मराठ्यांना मी जेव्हा मुख्यमंत्री झालो तेव्हा मी मराठ्यांना 24 तासांमध्ये आरक्षण देतो, मी येडियुरप्पा साहेबांनी सांगितलं। पण जेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्री झाले मराठा समाजाचा जो प्रश्न होता ते विसरून गेले, फक्त मराठ्यांचा आज या राज्यामध्ये या बीड जिल्ह्यामध्ये वापर केलेला आहे। त्यासाठी येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असो, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असो, कुठलेही प्रश्न असतो आपल्याला ते सोडवायचे आहे। सर्वात प्रथम आज पुढे निवडणुका आहेत, त्याच्यासाठी मराठा समाजाला सर्वात प्रथम आरक्षण भेटावं। अब समाचार राज्य के। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को मैसूर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, 6 अक्टूबर की सुबह सोनिया गांधी यात्रा में भाग लेंगी। खड़गे 5 अक्टूबर को पहुँचेंगे और अगली सुबह यात्रा में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को गुरुवार को यात्रा में भाग लेना चाहिए, जो मार्च के कर्नाटक चरण का 5वां दिन भी होगा। यात्रा सुबह मांड्या जिले के बेलूकोट से शुरू होगी और जिले में नागमंगला के पास बेंगलुरु में समाप्त होगी। सोमवार को मैसूर पहुंची सोनिया गांधी अगले 2 दिनों तक कोडगु जिले के मडिकेरी के पास एक रिसोर्ट में रुकेंगी। मौसम की स्थिति के आधार पर वह मंगलवार या बुधवार को मैसूर भी जा सकती हैं। इस दौरान यात्रा विराम लेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा सोमवार तड़के मैसूर के जय चामराजा वड़ियार सर्कल में फिर से शुरू हुई, और जब वह मणिपाल अस्पताल सर्कल के माध्यम से पांडवपुरा के लिए रवाना हुए तो उन्हें उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। अस्पताल सर्कल में निर्धारित ब्रेक के बजाय यात्रा बेंगलुरु रोड पर नागनहली गेट की ओर बढ़ी, जो कि 3.5 किलोमीटर दूर है। राहुल गांधी मैसूर पैलेस के उत्तरी गेट के सामने चामराजेंद्र सर्कल से गुजरे, अशोक रोड, मैसूर सेंट्रल जेल, फाउंटेन सर्कल, टीपू सुल्तान सर्कल, मिलेनियम सर्कल, सेंट फिलोपेन कॉलेज, बन्ने मंटपा, जेएसएस मेडिकल कॉलेज रोड, मणिपाल अस्पताल सर्कल, आउटर रिंग रोड पर केआर मिल, सिद्धलिंगपुरा और नागनहली गेट। कुछ हिस्सों में दोनों तरफ से लोग जमा हो गए, जबकि कुछ हिस्सों में भीड़ होने नहीं दी गई। जय चामराजा वड़ियार सर्कल से नागनहली गेट तक यात्रा के चरण के लिए 1 घंटे और 15 मिनट का समय लगा। जनता दल एस के नेता एचडी कुमार स्वामी ने सोमवार को कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के अच्छे दिन के दावों पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने बढ़ती आय असमानता पर चिंता व्यक्त करने वाले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेया होसबले के बयान का हवाला दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि आरएसएस के एक शीर्ष नेता का बयान, जो सत्तारूढ़ दल का वैचारिक अभिभावक संगठन है, देश की वर्तमान स्थिति का आईना है। कुमार स्वामी ने कहा, भाजपा की जड़ आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेया होसबले का यह बयान कि आर्थिक असमानता, गरीबी और बेरोजगारी बहुत खतरनाक है, भारत की वर्तमान स्थिति का आईना है। अब अच्छे दिन के दावों पर बड़े सवाल हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता लहर सिंह सिरोही ने सोमवार को कांग्रेस से कर्नाटक में चल रहे भारत जोड़ो मार्च में नक्सलियों और माओवादियों की संलिप्तता पर स्पष्टीकरण देने को कहा। राज्यसभा सदस्य सिरोया ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सिद्धरामैया से 10 सवाल पूछे, जो राज्य में 510 किलोमीटर लंबे भारत जोड़ो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या वे पुष्टि कर सकते हैं कि नक्सली माओवादी और उनके हमदर्द भारत जोड़ो यात्रा की कर्नाटक चरण का हिस्सा नहीं है? क्या ये लोग यात्रा की योजना में शामिल थे? सिरोया ने एक बयान में पूछा, क्या वे पुष्टि कर सकते हैं कि क्या हाल के वर्षों में कुछ कांग्रेसियों ने नक्सलियों माओवादियों को मीडिया आउटलेट बनाने और चलाने के लिए बड़ी रकम इकट्ठा करने में मदद की है? क्या वे इन लोगों के धन को स्तोत्र की जांच के लिए सहमत होंगे? लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482129। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उमरा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उमरा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर
9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टेक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। हिंदू, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन किया। इस पंडाल में उसने दुर्गा जी के पैरों के पास पड़े रहने वाले असुर की जगह महात्मा गांधी को दिखाया है। इसे लेकर अब हिंदू महासभा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही गांधी जी की मूर्ति को हटाकर अब उसकी जगह फिर से असुर की मूर्ति लगा दी गई है। मामले को तुल पकड़ते ही अब इस पर राजनीति भी होने लगी है। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम के साथ साथ बीजेपी ने भी इस पर अपना विरोध जताया है। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को 6 राज्यों की 7 विधानसभाओं की सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे। परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार 6 राज्यों की जिन 7 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं वो महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट है। इसके साथ ही हरियाणा में उधमपुर और तेलंगाना में मुनगोड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में गोला गोकरनाथ और ओडिशा में धामनगर सीट में उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इस माह के अंतिम सप्ताह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में प्रवेश करेगी। इस यात्रा के पूर्व तैयारियों के मद्देनजर कृष्णा नदी के ब्रिज का दौरा युवा कांग्रेस घटक के अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने ब्रिज का दौरा किया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तेलंगाना से मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी में 1 साल पहले मारे गए किसानों की बरसी मनाते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि किसानों की हत्या में आरोपी अभी भी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का 26वां दिन है और लखीमपुर खीरी हत्याकांड की पहली बरसी है। 1 साल पहले कई किसान मारे गए थे। मोदी सरकार के मंत्री के बेटे इसमें शामिल हैं। आज भी वो व्यक्ति मंत्रिमंडल के सदस्य है। इससे और अपमानजनक बात नहीं हो सकती। जो किसान काले कानून के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे उन्हें जानबूझकर मारा गया और आरोपी एक मंत्रिमंडल सदस्य है। जयराम रमेश सोमवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
भारतीय रेलवे लगातार अपना विकास कर रहा है और यात्रियों को सुविधाएं दे रहा है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा है कि देश भर के कम से कम 200 रेलवे स्टेशनों का मॉडर्न सुविधाओं से कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर एक कोच रखरखाव कारखाने के शिलान्यास समारोह में यह बात कही। वैष्णव ने कहा 47 रेलवे स्टेशनों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 32 स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है। रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने 200 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। स्टेशनों पर ओवरहेड स्पेस बनाए जाएंगे, जिसमें बच्चों के मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के अलावा प्रतीक्षा लॉन्च और फूड कोर्ट सहित कई अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ब्राजील के राष्ट्रपति पद के चुनाव के प्रमुख दो उम्मीदवारों के बीच रन ऑफ वोट दूसरे चरण का मुकाबला होगा, क्योंकि रविवार को हुए आम चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया है। चुनाव में दक्षिणपंथी जेयर बोल्सोनारो और वामपंथी लुइस इनाइसो लुला डा सिल्वा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। राष्ट्रपति पद के लिए 99.6% मतदान हुआ है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा को 48.3% और राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 43.3% वोट मिले हैं और अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनमें से किसी को भी जनता का कोई खास समर्थन नहीं मिल पाया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पोन्नियिन सेल्वम पार्ट 1 फैंस को काफी पसंद आ रही है। फिल्म ने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड 230 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका, रोहित शर्मा नहीं चाहते आखिरी T21 में खेले सूर्य कुमार यादव। अंत में समाचार बाजार के। देश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर, डीएपी और एनपीके खाद के दाम हो सकते हैं कम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। तैफी में शरीयत तहफूल खत्मे, नबुवत पर एक दिवसीय शिविर। नवरात्र के अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा आदि का आयोजन। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। मैसूर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया। भाजपा के अच्छे दिन के दावों पर बड़ा सवाल, कुमारस्वामी ने किया। दुर्गा पंडाल मैसूर की जगह महात्मा गांधी को दिखाया, हिंदू महासभा के खिलाफ होगी कार्रवाई। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 3 नवंबर को चुनाव और 6 को आएगा रिजल्ट। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।